नमस्कार आम स्वतंत्र आलोचना को स्वागत करवेदिता दशबंधु पूरा विश्वर नजर वर्तमान ताइवान एवं चीन उपरे चीन वर्तमान घेराबंदी रे चीन रो घेराबंदी रे वर्तमान ताइवान रही ताइवान आकाश रे चीन रो 27 युद्ध विमान उड़ुथिबार नजर को आसी ताइवान को सब दिगरु वर्तमान अवरोध करी चीन एवं ताइवान को नहीं दुई महाशक्ति अर्थात चीन और अमेरिका मध्ये तीव्र उत्तेजनापूर्ण स्थिति लागी रही छि। ताइवान रो स्वाधीनता और गणतंत्र रो सुरक्षा पाई अमेरिका बद्धपरिकर बोली पुणी घोषणा करबा परे दक्षिण चीन सागर युद्ध आशंका बढ़ी जाई छि। ताइवान उपरे राग सुजाइबा को चीन ताइवान को 6 पटु घेरी रही छि। चीन रो युद्ध पोत गुड़िक ताइवान को पूरा घेराबंदी में रखिता बेले चीन रो 27 टी युद्ध विमान ताइवान वायु प्रतिरक्षा जोन रे प्रवेश करी छे। ताइवान जलराशि रे चीन बड़ धरणर समराभ्यास आरंभ करथिबारु याकु नै विश्वव्यापी वर्तमान उद्वेग प्रकाश पाई छे। जाकु नै आज हमर आलोचनार विषय वस्तु चीन रो घेराबंदी। तेबे जदि देखिबा जो ग्राफिक्स माध्यम रे आमे आपनकु देखाउछु ग्राउंड फोर्स कथा देखिबे जदि जहाँ रही चीन एवं अमेरिका मध्य जो भली भाव दुई महाशक्ति भितर जो वर्तमान समय रे युद्धर आशंका वर्तमान देखा मिली कहीं पूरा पूरी भाव खोला खोली अमेरिका वर्तमान ताइवान को समर्थन करुच्छे एवं जितेबले आपड़ जानते हैं बद से आरंभ होते कि जी रही अमेरिका संसदर बाचस्पति नान्सी पेलोसी सीधासलख ताइवान भितर को प्रवेश करते से दिन ठारु ही चीन पूरा रक्तमुखा हो पड़ी और जो एभली एक युद्धर आशंका वर्तमान समय अर्थात चीन वर्तमान पूरापूरी भाव ताइवान को घेराबंदी करपटे सीमार आसी समराभ्यास अर्थात युद्ध पाई पूरापूरी भाव चीन प्रस्तुत एवं जो टॉपिक को आम आज आलोचना करवा चीन रो घेराबंदी ये टॉपिक को आलोचना करवा आम सहित अतिथि जोड़ सारी आम सहित कर्नेल त्रिलोचन दास वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ जोड़ खुब शीघ्र रूप नारायण दास वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ ताइवान रो ताइपाई अंचल आम सहित शासक जोड़े आम सहित कर्नेल त्रिलोचन दास जोड़ सारी वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ कर्नेल दास स्वागत करुच्छे आप आलोचना को। कर्नेल दास जहाँ वर्तमान आप स्थित देखुं अमेरिका सीधासख ताइवान को समर्थन करुच्छे एपटे चीन पूरापूरी प्रस्तुत है तेणु एभली स्थित वर्तमान आप कौन देखुं पूरा घटना को गोटे युद्धर आशंका कर देखो युद्धर आशंका तो करा जाउछि किंतु प्रकृतरे ता भितरे मोटिव टाकु आउ थरे भलो करी स्टडी करियाउ पडिबो गोटे प्रकार देखंतु जेहेतु चीन रूसिया को अमेरिका प्रेशर जो को यूक्रेन लड़े रे रूसिया को किछि सहाय्य करिनि एटा देखियाउ पडिबो आउ रूस जेते बेले वर्तमान सेथि एंगेज अछि ए पाखरे पेलोस्की एठी के आसीबा गोटे भूल टाइम रे चली आसछंती आ से टाइम रे चीन चाहूनी ये परिस्थिति रे जोठी से निजे ताइवान को निज कबल रे बा ताइवान रो आर्थिक एवं तारो पारिपार्श्विक ज्योग्राफी को निज कंट्रोल रखिया को चाहूची ऑलरेडी सेठी साउथ सी आ ईस्ट सी भितरे ये क्वाड करिकरी अमेरिका ता प्राधान्य विस्तार करबे चेष्टा चलेची ये परिप्रेक्षी रे चाइना और अमेरिका भितर मतांतर निश्चित भाव विषाक्त रूप धारण करिवो किंतु युद्धटा केमिति हबो सेटा गोटे संदेहजनक कारण कर्नेल दास आपनको लागुची स्थिति जो भली भाबे उपजिले आपन जो कहिले भूल समय रे नेंसी प्रवेश करछंती नेंसी भूल समय रे प्रवेश करछंती ना जानी सुनी गोटे उसका जाइछ जे एभली गोटे स्थिति उपजु बोली नहीं सेटा को देखिया पड़ो तांकु बारण करा जायथिला प्रेसिडेंट बाइडेन तांकु बारण करिवा सत्वे से जायछंती से होछ गोटे अमेरिकार डेमोक्रेसी राष्ट्रपति बारण करुछंती से टिकी मिलिट्री अमेरिकन मिलिट्री भी एडवाइस देथिला नजिबा पई तथापि से गले से एथि पई गले जेते बेले तांकु अमेरिका इनडायरेक्टली कहि आउछि रोबस्ट रिलेशनशिप व्हाट डज दैट मीन रोबस्ट रिलेशनशिप माने इनडायरेक्टली सेमन ता रिकॉग्नाइज करुछंती जोटा चाइना को ग्रहणीय नुए कारण ये चाइना कहुची येटा दी दी प्रकार नीति कहिच थरे आमे चाइना को ताइवान को कोनोसी प्रकार रिकॉग्निशन करिवुनी आ वर्तमान परिप्रेक्षी आसिक सेठी निजर आधिपत्य जमेबा को सेटा को चाइना ग्रहण करि पारु नाही।
कर्नल दास जो कथा ये तिक्तता जदि आपण देखिबे दीर्घ दिन रो चीन एवं ताइवान मध्ये तिक्तता ते दीर्घ 73 वर्ष रा विशेष करी नेन्सी को कथा आपण जदि देखिबे ये पाका पाकी 30 वर्ष रो तिक्तता गोटे रही आसी छि एतनो वर्तमान स्थिति रे जदि युद्ध हेउ छि एवं जो आशंका वर्तमान समय रे करा जाउ छि ये युद्ध जदि हुए कोन सबु प्रभाव पड़िबो पूरा विश्व उपरे एपड देखंतु रूस युक्रेन युद्ध वर्तमान परिसमाप्ति होइनी एवं यार मध्ये आउ एक युद्ध आशंका कोन प्रभाव पड़िबो समग्र विश्व उपरे यार विश्व उपरे निध्यांत प्रभाव पड़िबो प्रथम प्रकार आर्थिक प्रभाव पड़िबो समस्ते डिस्टर्ब हे जेबे फाइनेंशियल डिस्टर्बेंसेस ग्लोबल फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस होबो शेयर मार्केट पड़ि जेबे लोक इन्वेस्टर को पैसा बुड़ि जेबो कोविड परे उठि पारे ना ते उठिया को चेष्टा करथिले युक्रेन आक्रमण कहला तेधीरे विश्व अर्थनीति प्रभावित आ बर्तमान ए पाखे हेले आहुरी प्रभावित हबो एति पई ये भी गोटे इकोनॉमिक हब ताइवान हेला बा हांगकांग हेला बा सेटी ए पा गोटे पाख शांत थिला बोली किछि चाली थिला से पाखे अशांति ए पाखे अशांति ए द्वारा विश्व अर्थनीति निश्चित भाव विचलित हब आ समस्त एतिरे प्रभावित हेबे एतिरे कोनोसी संदेह नाही तो अन्य पक्षरे जो आर्म्स रेस बर्तमान आपण जानती आजिकल जो वारफेयर तार पूरा सेटी कोनोसी सामना सामनी वार होउनी वार हो जदि इनडायरेक्टली होउची आ एते विषाक्त और भयावह वार होबार समस्त न्यूक्लियर पावर तेणु ताकू आखि आगे रखी युद्धर भय माने बहुत विषाक्त हो पारे जदि ए प्रकार मनोवृत्ति चाइना और अमेरिका जिद रे लड़ई करती बहुत विषाक्त भयावह परिणाम होबार आशंका अछि कर्नल दास जदि दुई महाशक्ति मुहांमुही होउछंती जे देखंतु गोटे पटे ताइवान कथा जदि आपण देखिबे सबु क्षेत्र रे ताइवान चीन थारु दुर्बल आपण जदि सामरिक क्षेत्र थारु जे कोनोसी क्षेत्र देखिबे 2,31,00,000 लोक होउछंती ताइवान रे अर्थात जदि युद्ध हुए अमेरिका जदि समर्थन करूची किंतु को लागुची वर्तमान स्थिति रे काहार ओहरि जिबार वर्तमान समय रे आवश्यकता रहिछि काहेकि ना बारंबार चीन चेष्टा करि आछि जे ताइवान को निजो अख्तियार को नबा पाए देखंतु दुई पक्ष ओहरि जिबा उचित विश्वर कल्याण पई दुई पक्ष ओहरि जिबा उचित कारण टिके शांतिर वातावरण आसु तापर देखा जिवो तापर ये देखा जो के कोन पई आसी मो मतरे जदि दुई पक्ष टिके पछुकु चली जांती वर्तमान परिस्थिति को टिके बुझंतु आ परिस्थितिर जो परिणाम हबो ताकु टिके अंदाज लगांतु दुई पक्ष पछु फेरि जिबा उचित आ समस्त किसी समय पर शांति में बस जावा उचित कारण हठात करी एकदम रक्त मुखा है आक्रमण भावना नवा बा आक्रमण करवा बा चीन आमेरिकार द्वंद भितर ताइवान को सैंडविच करवा घाटी पकेवा से भल नुहे कारण ताइवान तो क्या कहनी कि तुम्हें आसवा तुम्हें ना ताइवान केवल कहे आम गणतंत्र हाँ चाहू आम पूर्व अलग थिलु आउ आपण चाइना जहाँ कंट्रोल से माने बहुचंती जे आमे शोषित हे चालीचु आउ शोषित हबुनी कारण ताइवान रे जो तांकर जो शिक्षा दीक्षा आउ तांकर बहुत लोक गणतंत्र रो मूल्यबोध जानिछंती आ बाकी देखुचंती इतिहास रो भी जानुचंती आउ से माने जानुचंती आमे स्वाधीन हवा को चाहुचु जोटा कि चाइना करै देनी से माने मन भितरे चाइना चाहिछंती सेटा हूँ चाइना और ताइवान भितर कथबार्ता वर्तमान अमेरिका जदिओ ताइवान को सपोर्ट कर स्वार्थ अच्छी कारण अमेरिका रो ऑस्ट्रेलिया रो ये भारत रो जापान रो जो क्वाड करी सेठी वाणिज्य और अर्थनैतिक इंटरेस्ट रही अमेरिका साउथ ईस्ट एशिया को कंट्रोल करिया पई ताइवान को यूज करूची एटा समस्त जानिसंती कारण सेठी जो चीप हो बा जो आईटी सेक्टर जो होची सेटा विशेष करी ताधरे कोनोसी इंटेलिजेंस ऑब्जेक्टिव अछि कारण चाइना रो राडार चाइना रो एयरफोर्स रो गतिविधि बाकी साउथ ईस्ट एशिया ऊपर जहार गतिविधि से ताइवान रे थाइंगरी कंट्रोल करूची से ताइवान रे तार किछि नेटवर्क त अछि जो समस्त गतिविधि नजर पकई पारिबो आ ताइवान भी स्ट्रेटेजिकली एमिती प्लेस रे अछि ताइवान ने थाई चार सब आड़े देखिए हबो आ समस्त कंट्रोल करि हबो एटा हला अमेरिका रो गोटे ऑब्जेक्टिव तेणु यही परिप्रेक्षी रे जदि समस्त शांत न पड़ती एठी
रीजनल डिस्टर्बेंस होवार चांसेस अछि आ इनडायरेक्टली समस्त जोडी हे जबार भी चांसेस रहै छै। कर्नल दास, जहाँ वर्तमान स्थिति आपण देखिबे चारिपटु चीनी सेना वर्तमान ताइवान को घेरी रही छथि, एपटे जल राशि को आसी समराभ्यास मध्य चीन आरंभ कर सालानी, जदि आक्रमण हुए कौन लागू छि आपण को जे आक्रमण कहाँ पक्षरु हेबो? चीन पक्षरु हेबो, काहेकि ना अमेरिका को सिधासख चीन मध्य धमकी दे सालानी, अमेरिका भूल रास्ता रे गले कड़ा जवाब दिया जिवो, चीनी सेना एकदम प्रस्तुत अछि युद्ध पई, तणु कोन भाबु छथि आपण पूरा घटना रे जे आक्रमण कहाँ पक्षरु होई पारे? आक्रमण कहा पक्षर हो पारे मान ये सब परोक्ष रे हबो, कारण जत्ते बेले चाइना देखी सारानी कि मो कंट्रोल थिबा परिप्रेक्षी अमेरिका रो रहिलानी नियंत्रण आ अमेरिका रो नाभल नौसेना तांकर नौजा से जहाज आसिकरी सेठी पेट्रोलिंग कलेनी ईस्ट ऑफ ताइवान आ सेठी रीइन्फोर्समेंट भी होउची अमेरिकन एयरफोर्स रु भी से खबर आसीगलानी, तेणु चाइना ये परिप्रेक्षी चाहिबो कि से ताइवान पाखापाखी रहिबो आ कौन हौचे ताइवान को आहुरी प्रेसराइज करियो कि जम्मा तांको डाकनी बा तांको पाखापाखी होनी बा अमेरिका ठू दूरे ही रहिबो, एटा रहिबो तार ऑब्जेक्टिव आ ए परिप्रेक्ष्य रे सेटा रो डिग्री ऑफ अटैक कौन हबो सेटा टिके टाइम लागिबो ताको बुझिवा पई, किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य सीधा सालक युद्ध होबार टिके संकेत तो बेसी नाही, किंतु तथापि तो धमकेला भलिया परिस्थिति चली आसी सेपट रे अमेरिका निजर सब रीइन्फोर्स कर सारानी आ चीन चाहिबो यही सुविधा नहीं करी से जो स्ट्रेट अछि ताइवान स्ट्रेट समर्थन बाहर एक युद्ध युद्ध आशंका जेतु घन तेणु कौन लगुच समर्थन करेंगे समर्थन करेंगे एक क्षेत्र में देख गोटे पॉलिटिकल आंसर हूँ गणतंत्र जो गणतंत्र चर्चा हूँ गणतंत्र हवा को समस्ते चाहिए, किंतु गणतंत्र हवा पूर्व हिंसा को कही चाहिए आप जानते तेरह चौदहटा देश बर्तमान रिकग्नाइज कर बाकी समस्ते चाहूँ सिंपाथी अच्छी किंतु डायरेक्टली कही पार ना आहले भी कथा के दूर रही न रहा भी गोटे संदेहपूर्ण खबर बर्तमान चौदह देश कर हाँ जदि ये युद्ध प्रकार परिस्थिति उपजे तेबे अमेरिका केवल जानी कि मोर हूँ मसल स्ट्रंग अच्छी चाइना को जवाब केवल अमेरिका दे पार आठ कहीं दे पार ये परिस्थिति कर्नल दास जदि युद्ध हो लगुच चीन सेना जेतु कही सारे जे आम पूरा प्रस्तुत अच्छु अमेरिका मध्य समान भाव प्रस्तुत अच्छी ना नाई अमेरिका केवल निज स्वार्थ को देखुच जो कहे ताइवान सपक्ष में कहीं दीर्घ दिन धरी चीन सब बड़े चेष्टा कर आसी ताइवान को निज अख्तियार को नापी एपटे नैन्सी पेलोसी प्रवेश कर निरे घी डाली तेणु बर्तमान स्थित जे अमेरिका लगुच कहते उभय पक्ष ओहरी दरकार कि लगुनी चीन रो मूड देखिले वर्तमान समय जे चीन ओहरी जीव तेणु वर्तमान स्थित में अमेरिका निज स्वार्थ देखुच ना नाई प्रकृत में गोटे से युद्ध बड़ धरण स्वार्थ तो दुई जन जाक देखु चीन निजर स्वार्थ देखुची अमेरिका निजर स्वार्थ देखुची आउ अमेरिका चाहूची कि ताइवान उपरे तार नियंत्रण रहू से जो जो कहूची रोबस्ट रिलेशनशिप से केवल रोबस्ट रिलेशनशिप जो ही सी जापान बा ये सी रूट रे जाई परिवो बा सेठी तार कमर्शियल एक्टिविटीज करी परिवो आउ बाकी सब करी परिवो जदि नहला सेठी साउथ ईस्ट एशिया उपर तार किछ कंट्रोल रहिवो नाही, तेणु अमेरिका निश्चित भाव चेष्टा करिवो डिप्लोमेटिक वे रे कि चीन को बुझो बा चीन बुझो ये आगो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप उपर चर्चा हबो ये जो समराभ्यास चली छि एक्सरसाइज चली छि से एक्सरसाइज किछ समय पर्यंत चलिवो, कारण ये आपण जानिसंती आ परे पॉलिटिकल एजेंडा अछि देशवासी पचारिबे किंग जिनपिंग को इलेक्शन आगु को अछि तुमे कोन करिछो चाइना स्वार्थ पे सपोर्ट रे पेलोसी कोन डेमोक्रेट रो नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की एटा को ये भी गोटे क्वेश्चन मार्क, जदि से दिटा परिप्रेक्ष्य देखा गले ये गोटे जीत खोरियार परिस्थिति आसी छि से जीत रु समस्त ओहरि जवा उचित
କାରଣ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ ଭୟାବହ ହବ ସେଇଟା ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ଯାଇପାରିବ କି ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ପକେଇ ଦେବେ ମୁଁ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ନେବି ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ ହବ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଚାଇନାକୁ ବି ଆମେରିକାକୁ ବି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ହାତେ ମାପି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବେ ତେବେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଦାସ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଆର ଭୟବତା ପୁରା ବିଶ୍ୱ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଭୋଗିବ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଯଦି ଦେଖିବେ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ବଡ ଯଦି ଦେଖିବା ସଙ୍କଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ତେଣୁ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଏବଂ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତାଇୱାନ ଉପରେ ଲଗାଇଛି ଚୀନ ଯେ ଆମେରିକାର ସମର୍ଥନ ଆଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କାମ କରିବ କି ନା ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କାମ କରିପାରିବନି ଯାହାକୁ ଆମେରିକା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅର୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଦେଶ ଯଦି ତା ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ଆମେରିକା ଏ ଦିଗରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଙ୍କସନ୍ କାମ କରିପାରୁନି ଅତିବେଶୀରେ ଯିବେନି ଚାଇନା ଯିବେନି କିଛି କଥା ନାହିଁ ମୂଳରୁ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ତାଇୱାନ ସେମାନେ ଚାଇନା ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆମେରିକାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପଢ଼ିବାକୁ ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଆମେରିକାର 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଇୱାନରେ ତେଣୁ ଚାଇନାର ଚାଇନାକୁ ସାଙ୍କସନ ଲଗେଇଲେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି ଇତିହାସ ବି ସେଇଆ କହୁଛି ଓକେ ନିହାତି ଭାବରେ ଇତିହାସ ବି ସେଇଆ କହୁଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗେଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାଇନାର ତାଇୱାନ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଦାସ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପ ନାରାୟଣ ଦାସ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ତାଇୱାନର ତାଇପାଇରୁ ଆମ ସହିତ ଶାସକ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଚୀନ ଏବଂ ଆମେରିକାର ବିବାଦକୁ ନେଇ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ରୂପ ନାରାୟଣ ଦାସ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନାକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟପିକକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଚୀନର ଘେରାବନ୍ଦୀ ବିଶେଷ କରି ସ୍ଥିତି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଏବଂ ଚାଇନା ମଧ୍ୟରେ ତାଇୱାନକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ସଠିକ ରୂପେ ରଖିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିପାରିବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲୋଡ଼ିବି ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ତାଇୱାନର ତାଇଚୁଂ ବୋଲି ଏକ ସହର ସେଇଠୁ ମୁଁ କହୁଛି ଗତକାଲି ମୁଁ ତାଇୱାନ ତାଇପେଇରେ ଥିଲି ଯେତେ ଯୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନାନ୍ସି ପେଲୋସି ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିକର ତାଙ୍କର ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାଇୱାନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଭେଟିଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ତାଇପେଇରେ ଥିଲି ଆଉ ସେଠି ମୋର ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ ଥିଲା ମୁଁ ପେପର ଦେଉଥିଲି ସେଠି ତାଇୱାନର ଡେପୁଟି ଫରେନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲି ନା ଏଠିକାର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ଯାଉଥିଲି ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ରେଲୱେ ତାଇଚୁଙ୍ଗରୁ ତାଇପେଇକୁ କିଛି ଏଠି ତନାବ ନଥିଲା ପୁରା ବାତାବରଣ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ସେମିତି ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିଲି ହୁଏତ ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିବ କି ଆପଣ ନ ଆସନ୍ତୁ ବା ଟ୍ରେନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେବ କିଛି ସେମିତି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମାନେ ଯୋଉ ତାଇୱାନ ଆଉ ଚାଇନା ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ତିକ୍ତତା ଏବେ ଚାଲିଛି ତାର ତାକୁ ମୁଁ ଇଗ୍ନୋର କରୁନାହିଁ ସେଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ ବହୁତ କମ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି 6ଟା ଜାଗାରେ ଏୟାର ଆଉ ନେଭାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାଇପେରୁ କିଛି ଗୁଡାକ ଜାହାଜ ଯୋଉ ଥିଲା କ୍ୟାନସଲ ହେଇଛି 51ଟି ଜାହାଜ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚାଲିବ ବି ରବିବାର ଆସନ୍ତା ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କରୁନୁ ଯେ ୟା ପରେ ଆଉ କିଛି କାରଣ ଯେହେତୁ ନାନ୍ସି ପେଲୋସି ଆସିଲେ ଏଠିକି ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ହାଇ ଡିଗ୍ନିଟାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆମେରିକାର ଯୋଉ ରାଜନୀତିକ ମାନେ ସି ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ସିନିୟର ଫଙ୍କସନାରୀ ଅଫ୍ ଦି ଆମେରିକାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ତେଣୁ ତାକୁ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ରିକଗ୍ନାଇଜ କରନ୍ତିନି ଚାଇନା ତାଇୱାନକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରେନି ତାକୁ ରେନିଗେଟ କହିଛି ମୋର ପାର୍ଟ ଅଫ ଇଟ୍ ତେଣୁକରି ସେଇଟା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତିକ୍ତତା ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଟା ବୋଧେବେ ସୁଧୁରିଯିବ କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ହବା ଚାଇନା ଆଉ ଆମେରିକା ଭିତରେ ଏତେ ସମ୍ଭବ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ଚାଇନା ଆଉ ତାଇୱାନକୁ ଯୋଉ ତାଇୱାନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ଡିଭାଇଡ କରୁଛି ହଁ
तो सेथिरे आसिकी याकु चाइना को टेक ओवर करबा बा इन्वेजन करबा ताकु जहाँ को एम्फिबियस वार बहुत बहुत मुश्किल सेटा हो एमती एटा गोटे पोस्चरिंग करचंती मिलिटरिंग पोस्चरिंग इन प्रोटेस्ट टू द विजिट ऑफ नैन्सी पेलोसी टू ताइवान आउ आपन जो अच्छे कितना का कंडीशन अच्छी हेलो किसी हाँ किसी कंडीशन अच्छी जो थे कि चाइना युद्ध कर पारिबो सेटा होची जदि ताइवान ऑफिशियली इंडिपेंडेंस डिक्लेअर करिबो जदि ताइवान रे जे कोनसी गोटे मिलिटरी बेस फॉरेन अमेरिका को बा जहा को देबो द्वितीय तृतीय होची जदि ताइवान न्यूक्लियर न्यूक्लियराइजेशन करिबो ए तीनटी कंडीशन रे आशंका बर्तमान देखा जाऊनी किंतु एपटे प्रतिरक्षा विशेषज्ञ माने मध्ये कहउचंती जे गोटे आशंका देखा देउचे हे पारे जे तो ए तिक्तता आजिरो नुहे चीन सहित नैन्सी पेलोसी को तिक्तता जदि आपण देखिबे दीर्घ 30 वर्षर एवं जदि देखिबे चीन ताइवान तिक्तता ते पाखा पाकी 73 वर्षर तेनु ये जानी सुनी गोटे उद्देश्यमूलक भाबे नैन्सी पेलोसी हटात सेटा को गस्त करबा ओटे उद्देश्यमूलक भाबे एको करा जाइछ कि आपणक मतरे हाँ शुणु मु कहि अमेरिका आउ जो ताइवान रो रिलेशंस को आम आगुरी कहूल गोटे स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युटी थिला किंतु स्लोली जोटा कि आपणकर मन थी जिते बड़े चाइना ताइवान रो केमी आरंभ है कौच जिते बड़े उन्नीस चाइना सिविल वार थिला के एम टी कुमिंगटंग पार्टी आउ सीपीसी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सिविल वार होता 1949 रे से युद्ध रे केम टी जो चांग काइशेक को केम टी हारी गले तापरे चांग काइशेक ताइवान रे आसी के रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिश करले अमेरिका सपोर्ट मूल रो छि तंकर आ सेतले डिफेंस ट्रीटी जो थिला ताइवान आ अमेरिका संग रे थिला जो पई कि कोरियन वार समय रे मध्य अमेरिका ताइवान को तंकर मिलिट्री तंकर पठेथिले डिप्लॉय करथिले तापरे 1971 रे 1971 रे अमेरिका ताइवान टू विथड्र कर रिकग्निशन चाइना को रिकग्नाइज कला किंतु ये रिकग्नाइज करा परे मध्ये यूनाइटेड नेशन किंतु चाइना आउ अमेरिका रो जो वैद्य संपर्क डिप्लोमेटिक संपर्क 1978 रे जाई कि स्थापन करा ता परे जाई कि एटा हिजी ता परे चाइना आउ ताइवान रो यूएसए तीनटा कंट्रीब्यूट जो अच्छी गोटे ताइवान रिलेशन एक्ट जोटा पास कला अमेरिका से ही अनुजाई बर्तमान चाइना आउ माने अमेरिका आउ ताइवान रो संपर्क तार भीतर आधारित जोटा को कहउचंती ताइवान रिलेशन एक्ट ता पर मते अनेक आईन कानून अमेरिका पास करिछि क्रमश्य जोटा को चाहे थिला गोटे कहते स्ट्राटेजिक एम्बिग्युटी स्ट्राटेजिक एम्बिग्युटी वर्तमान रु आस्ते आस्ते स्ट्राटेजिक क्लारिटी आसुछि आस्ते आस्ते अमेरिका ताइवान संगे मध्ये संपर्क घनीभूत करूछि किंतु सुकर दास जो बले भाबे अमेरिका सीधा शोक स्पष्ट भाबे कहि सारी छि जे ताइवान सपक्ष रे अमेरिका अछि एवं वर्तमान जदि देखिबा आजरो जहां सूचना रहि छि जे वर्तमान जो चीनी सेना माने रहि छथि से माने वर्तमान बड़ो धरण रो सम्राभ्यास जलराशि रे ताइवान रो जलराशि रे आरंभ कर दे छथि अर्थात गुटे बडे चीनी सेना भी प्रस्तुत अछि जदि युद्ध हुए किंतु अमेरिका रो उद्देश्य कोन रे जब जदि सपोर्ट करू छि ताइवान मु कहली चीन से अटैकर गुटे लैंड बॉर्डर नाही जो तरह से अटैक कर परबे एटा ताइवान स्ट्रेट अछि ते एटा गुटे एम्फिबियस वार हबो जोडा समान को ताइवान स्ट्रेट क्रॉस कर परबे इमिति इंडिया चाइना बॉर्डर बढ़िया सेमिति किसी बॉर्डर नाही वर्तमान से नेवल एक्सरसाइज करचंती आ एयर ड्रिल आ नेवल एक्सरसाइज करचंती तो ताइवान भीतर को पछे आसले से मान को ताइवान स्ट्रेट को क्रॉस करिया को पड़ीबो युटा कि त सहज न ताइवान स्ट्रेट को क्रॉस कले जाई करी से मान ताइवान को भीतर पस परबे एमिति लैंड बॉर्डर नाही मैक्सिमम से माने एयर ड्रिल करकि माने टेररिज करि परिबे याकु माने जो कहउचंती एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन जोटा कहउचंती सेहिथरे चाइना रो जो फाइटर जेट माने पसी आस्थ किछि किछि आस्थंती आ एमार ताइवान तरफ पर मध्य सेडा को स्क्रैम्बल करा होछि से तो तास यार समाधान कोन जदि एभले एक आशंका रहूछि एवं विवाद देखिबा को जदियो मिलिछि यार समाधान रो बाटो कोन
जदि युद्ध न हबो समाधान रो बाट किछि नै समाधान रो बाट सबुटु भलो होछि स्टेटस को वर्तमान रो स्थिति जहां सेइटा समस्ते स्वीकार करले सेइटा ही समस्तंकर सुविधा हबो चाइना रो भी हबो कारण जदि जति भी मानन फॉर अ मोमेंट भावंतु चाइना अटैक करी इन्वेट करी ताइवान को नहीं गला व्हिच इज पॉसिबल किंतु ता चाइना को भाबिया को पड़ो तार कंसीक्वेंसेस कोन हो अपन देखु जे यूक्रेन रे भी एबे मध्य रशिया पूरा ऑक्युपाई करि पारनी चाइना करि पारिबो कि आमे चाइना कोन सस्टेन करि पारिबो कि युद्ध को करबा मुश्किल हो ता पर तार जो सैंक्शन हो इकोनॉमिक सैंक्शन ताकु भी सेने कोन सस्टेन करि पारिबे कि मानिले तार जदि तार परिणाम खराब हुए ताले सी जिनपिंग कर जो नेतृत्व अच्छी जो लीडरशिप आसो आसंता अक्टोबर मास रे तांकर पार्टी कांग्रेस होची 20th पार्टी कांग्रेस चाइना रे हेबा के जाउची तो ता आगुरु से माने युति किछि करबे नै ता परे अपन एबे निकट गत किछि दिन पूर्वरु सी जिनपिंग आ बाइडेन कर टेलीफोन पे कथा किंतु प्रसिद्ध दास जेहेतु दीर्घ दिन धरी ताइवान को अख्तियार करबा पई ताइवान रो एक द्वीप को मध्ये अख्तियार करबा पई चीन चेष्टा जारी रखी छि तणो ये गोटे जेतु आशंका युद्ध रो आशंका वर्तमान समय रे घन हो छि अपन जदी कोतले संभावना नाही चीन रो ए विस्तारवादी नीति को अमेरिका मूलपोच करबा को चेष्टा करू छि कि ये जो तिक्तता माध्यम रे एक कथा को आ जाय पारे विवाद अनेक दिन रो जेहेतु शुणतु जदि मुझे कह चाइना सॉरी अमेरिका पूरा कमिटेड रोच ताइवान प्रति रही कहीं जदि चीन ताइवान को नहीं जापे ताले चीन सारा पृथ्वी प्रथम फास्ट इकोनॉमिक पावर नंबर वन इकोनॉमिक पावर द क्वेश्चन इज विल यूएसए अलाउ चाइना टू इमर्ज एज द एट द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड दैट इज सिंपली नॉट पॉसिबल इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अमेरिका बिकॉज देखिए जानते 60% of jo apan chips kochanti jo ta ek kocha semiconductor it is monopolized by taiwan only jodi america jodi china taiwan ko nei jibo kebol semiconductor china ro mul uddesh hochi semiconductor industry ko neba bahut bahut dhanyabad sikto das je to samay kam amku ei am karyakram ko sariba ko padibo ta purbaru jo kotha apan kohtile je bartaman juddha ro sthiti sabli konosi gano nahi jodi taiwan ko china akhtiyar kari neuchi tabe super power चाइना शक्तिशाली होइछो तेणु एभली कोनोसी संवाददा नाही तेणु आशा करा जाउछि वोदवे खूब शीघ्र यार समाधान रो बाटो बारिबो एवं सेभली युद्धर कोनोसी आशंका नाही आपण जेतु सेटा रहउछन्ती आपणक अभिज्ञता आपण बखाणतिले बहुत बहुत धन्यवाद हम सहित कर्नेल तिलोचन दास मध्ये जोडी हेतले किशन पूर्व वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ हम सहित रूप नारायण दास वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ ताइवान रो ताई पाइरुस दासक जोडी हेतले सर्वश्रेष्ठ हमरा स्वतंत्र उपस्थापना को एटुकछु वर्तमान पै मध्ये विदा दियंतु नमस्कार।